Hello children, I am Bhavna Saxena from Lyal Public School. Today we are going to start exercise 5.4, unit division. Solve the following. हमें कुछ sums दिए गए हैं division के. हमने last exercise जो थी उसने 10 से divide किया था, okay? आज हम अलग-अलग tables से उनको divide करेंगे. Question number A is 84 divided by 2. सबसे पहले हम नंबर देखेंगे. क्या है हमारा नंबर? 84. 84 को हमें 2 से डिवाइड करना है. हमें इसमें क्वेश्चन निकालना है और यदि रिमाइंडर होगा तो वो भी. ओके, हम सबसे पहले इसमें क्या बोलेंगे? 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट डिजिट देखेंगे हम, जो कि है हमारी 8. 8 जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, तो हम इसमें पेयर नहीं बनाएंगे और 2 का टेबल बोलेंगे जब तक कि 8 या उससे कोई बड़ा नंबर ना आए. 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4 8. जस्ट 8 के नीचे हम 8 लिखेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 0. 8 के बाद हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4. उसे हम नीचे लाएंगे, फिर 2 के टेबल में हम 4 देखेंगे कहाँ आता है. 2 2 4, जस्ट नीचे लिखेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डिवाइड वाले सम करते हैं तो वो स्ट्रेट सॉल्व नहीं करते, हम एक स्टेयर्स की तरीके से उसको सॉल्व करते हैं. अब हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे, आएगा 0. तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? 42. 84 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 42. क्वेश्चन नंबर बी, 189 डिवाइडेड बाय 9. अब हमें इसमें कौन सा टेबल बोलना है? 9 का टेबल बोलना है. अब हम जब 189 की फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो वो है 1. 1 जो होता है वो 9 से स्मॉल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका पेयर बनाना पड़ेगा. पेयर बन के क्या होगा? 1 और 8 मिलके हो जाएंगे हमारे पास 18. अब 18 जो है वो 9 के टेबल में कहाँ आता है? 9 2 18. 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 में से, आएगा 0. अब नेक्स्ट हमारी डिजिट क्या हो गई? 9. हम 9 को नीचे लाएंगे, 9 1 9. अब 9 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 0. अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 21. 189 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 21. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 260 डिवाइडेड बाय 2. अगेन इसमें हम कौन सा टेबल बोलेंगे? 2 का टेबल बोलेंगे. 2 1 2, जस्ट 2 के नीचे 2 लिखेंगे, आएगा माइनस करेंगे होगा 0. नेक्स्ट हमारी डिजिट है 6. हम 6 को नीचे लाएंगे, 2 जो है वो 6 से भी स्मॉल है, तो सिंगल डिजिट ही नीचे आएगी. 2 3 6, 6 माइनस 6 0. नेक्स्ट हमारी डिजिट है 0. 0 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 0 लिख के और इस सम को खत्म करेंगे. हमारा आंसर क्या बनेगा? 130. क्वेश्चन क्या हो गया? 130. 260 डिवाइडेड बाय 2, 130. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 168 डिवाइडेड बाय 6. इसमें हम 6 का टेबल बोलेंगे. 168 में 1 जो है वो स्मॉलर है 6 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेक्स्ट डिजिट के साथ 1 का पेयर बनाना पड़ेगा. क्या बन गया वो? 16. अब हम 6 की टेबल में देखेंगे, 6 की टेबल में 16 नहीं आता, तो जस्ट 16 से छोटा जो हमारा नंबर आएगा, 6 2 12, हम वो लिखेंगे. 6 3 क्या होता है? 18. 18 जो है वो 16 से बड़ा हो गया, तो हमें 6 2 12 लेना पड़ेगा. अब हम उसमें से इसको माइनस करेंगे. 6 माइनस 2 4, 1 माइनस 1 0. तो 16 माइनस 12 क्या आ गया नीचे हमारा? 4. अब नेक्स्ट हमारी डिजिट है 8. हम 8 को क्या करेंगे? नीचे लाएंगे, हमारा क्या बन गया वो? 48. अब 6 की टेबल में 48 आता है, 6 8 48. 48 को जस्ट 48 के नीचे लिखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर क्या बना? 0. क्वेश्चन इज 28. 168 डिवाइडेड बाय 6, 28. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, 658 डिवाइडेड बाय 7. इसमें हमें कौन सा टेबल बोलना है? 7 का. 7 का टेबल जब हम बोलेंगे तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 6 जो है वो 7 से स्मॉल है. 7 9 63, 65 माइनस 63 आएगा 2. 2 के बराबर में हम उतारेंगे 8 को, तो क्या बन गया वो हमारा? 28.
7 fours are 28. 28 minus 28, 0. क्वेश्चन क्या आया हमारा 94. 658 divided by 7, 94. क्वेश्चन नंबर F. 608 divided by 8. इसमें हमें कौन सा टेबल बोलना है? 8 का. 6 जो है वो फिर स्मॉलर है 8 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास वाले डिजिट के साथ उसका पेयर बनाना पड़ेगा. 60 बन गया हमारा 60. 8 की टेबल में हम 60 लेंगे, 60 नहीं आएगा. तो 60 में से उससे पहले जस्ट क्या आता है? 8 7 जा 56. अब हमें क्या करना होगा? 56 को 60 में से हम माइनस करेंगे. 0 को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा. 10 माइनस 6 4. 4 के बराबर में हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 8. क्या बन गया? 48. 8 की टेबल में 48 आता है. 8 6 जा 48. अब हम वो लिखेंगे जस्ट 48 के नीचे. 48 माइनस 48 0. Question is 76. Now next question is, question number 2, divide the following. A. 242 by 2. इसमें by का meaning क्या है? हमें यहाँ पे means divide का sign है. 242 को हम किससे divide करेंगे? 2 से. 242 हम लिखेंगे और उसमें हम 2 का table बोलेंगे. First digit is 2. 2 ones are 2. माइनस करेंगे, जीरो आएगा. नेक्स्ट डिजिट हम उतारेंगे 4. अब 4 जो है वो 2 से बिगर है, मींस हम पेयर नहीं बनाना होगा, हमें सिंपल 4 से ही उसको ढूंढेंगे. हम 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 2 जा 4. 4 माइनस 4 0. नेक्स्ट डिजिट हम उतारेंगे 2. 2 1 जा 2. 2 में से 2 हम माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0. हमारा क्वेश्चन क्या बना? 121. Next is 416 by 4, means 416 divided by 4. First digit is 4. 4 ones are 4. 4 minus 4 kya kya aya? 0. Ab humne next digit jo hai wo 1 ko hum niche laye. Ab 1 jo hai wo 4 se kya hai? Small hai, chota digit hai. To humne next digit 6 ko bhi niche lana padega. 6 ko niche lane ke liye humne kya karna padega? हमें ऊपर 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट को उतारना होता है. अब 16 हमारा पेयर बना. 4 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 4 जा पे. तो 4 4 सार 16. क्वेश्चन बना हमारा 104. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज 385 बाय 5. ये हमारा क्या हुआ? 4 डिजिट का सम है. 3085 by 5 means हमें 5 का टेबल बोलना है. अब 3085 में 3 जो है वो स्मॉल है 5 से, तो हम इसमें नेक्स्ट डिजिट को साथ लेके पेयर बना लेंगे. बन गया हमारा 30. अब हम 5 के टेबल में देखेंगे 30 आता है. यस, 5 6 जा 30. 30 माइनस 30 करें तो क्या आया? 0. नेक्स्ट हम उतारेंगे 8. 5 1 जा 5. 5 2 जा क्या होता है? 10 होता है. 10 जो है वो 8 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 5 1 आर 5. 8 माइनस 5 करेंगे, 3 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारी क्या डिजिट है? 5. 35 हमारा क्या नंबर बना? 35. अब 5 के टेबल में हम ढूंढेंगे 35 आता है. यस, 5 7 आर 35. 35 में से 35 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे. क्वेश्चन इज 17. 5 की टेबल हमने बोली, 3085 को हमने डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन बना 617. नेक्स्ट इज 1435 बाय 7. कौन सा टेबल बोलेंगे इसमें हम? 7 का टेबल बोलेंगे. और इसमें भी क्या होगा? पेयर बनेगा, क्योंकि 1 जो है वो स्मॉल है 7 से. 7 टू जा 14. 14 माइनस 14 किया, 0 आया. अब हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी 3. बट 3 जो है वो 7 से क्या है? स्मॉल है, तो हमें 0 लगा के नेक्स्ट नंबर को उतारना होगा. जब भी हमें दो डिजिट उतारनी होती हैं, तो हमें 0 लगा के नेक्स्ट वाले डिजिट को उतारना होता है. अब वो बन गया 35. 7 की टेबल में 35 आता है. यस, 7 5 जा 35. 35 माइनस 35 0. अब हमारा क्वेश्चन क्या बना? 205. नेक्स्ट ई 6648 बाय 8. अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा 8 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि जो 6 है वो
स्मॉल है 8 से, हमारा बन गया 66. अब 8 के टेबल में 66 नहीं आता, तो उससे जो स्मॉल नंबर है 8 8 64 वो हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे, आ गया हमारा 2. नेक्स्ट हमारा डिजिट हम उतारेंगे 4, तो ये बन गया 24 8 3 24 24 माइनस 24 0. नेक्स्ट हमारी डिजिट है 8. अब 8 को हम नीचे लाए, 8 1 8 8 8 0. अब हमारा क्या क्वेश्चन बना, 831. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, 5105 बाय 5 मीन्स 5105 डिवाइडेड बाय 5. अब हमने 5 का टेबल बोला, 5 1 5 5 माइनस 5 क्या आया 0. नेक्स्ट हमारी डिजिट है 1, हम 1 को नीचे लाए, बट 1 जो है वो 5 से स्मॉल है, हमें नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा. नेक्स्ट है हमारी 0, तो ये क्या बन गया 10. अब 0 हमें नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें ऊपर भी 0 लगाना पड़ा. अब 5 2 10, 10 माइनस 10 0. नेक्स्ट हमारी डिजिट है 5, उसको हम नीचे लाए, 5 1 5 5 माइनस 5 0. ओके, क्वेश्चन इज 1021. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 5.4. नाउ प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. आपको अच्छी तरीके से वर्क करना है, नीट एंड क्लीन करना है. ओके, थैंक यू.